हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वीर फ्रॉम सरस्वती क्लासेस नारोल अहमदाबाद। फ्रेंड्स, इन प्रीवियस लेक्चर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस वी हैव डिस्कस द फर्स्ट मेथड विच इज़ नोन एज एक्स वाई मेथड। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड वन मेथड विच इज़ टू बी नोन एज यू वी मेथड। ठीक है, यू वी मेथड हमने नाम दिया हुआ है। वेन दिस मेथड इज एप्लीकेबल, तो मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया हुआ अच्छी तरह से कि वेन योर ऑब्जेक्शंस आर मोर देन 40, हायर देन 40, ग्रेटर देन 40, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड, राइट। आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, यू कैन सी यू हैव टू वेरिएबल्स गिवन एक्स एंड वाई, ऑल द ऑब्जेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आर मोर देन 40, सो वी आर गोइंग टू प्लान यू वी मेथड, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एक्स और वाई दिया हुआ टोटल मानेंगे सिग्मा एक्स 640, सिग्मा वाई 615 इज ओवर देयर। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी हम रिग्रेशन एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स और वाई के ऊपर से, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के ऊपर से उनके मीन्स फाइंड कर लेंगे, सो दैट वी विल गेट एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार इज देयर सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार इज देयर सिग्मा वाई अपॉन एन। एक्स बार का फाइंड करने के लिए सिग्मा एक्स हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 640 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको दिए हैं, सबके अंदर अकाउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 91.42, कैन बी सेट 91.43। वाई बार के लिए सिग्मा वाई अपॉन एन, तो 615 डिवाइड बाई 7 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 87.86। पॉइंट के बाद डेसिमल के दो अंक के बाद अगर थर्ड अंक आपका 5 और मोर देन 5 हो, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर जो सेकेंड नंबर की वैल्यू है उसमें एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कुछ ध्यान रखिएगा आप लोग भी। Now we are going to use UV method. अब UV method क्यों use करनी है, कि आपके जो observation बड़े बड़े हैं उसको अगर हम XY method से solve करते हैं तो calculation lengthy और बहुत बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी मतलब वहाँ पे mistake होने के chances ज़्यादा रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो बड़े बड़े observations हैं उन बड़े बड़े observations को small observations में convert करना है by using U and V method। U कैसे find करते हैं, हमारा formula है U के लिए, U is there, U is equal to XY minus A upon B। अब xi मतलब x, a मतलब हमने जो x बार और y बार फाइंड किया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी आई है, जैसे x बार की 91.43 वैल्यू आई हुई है, तो हम उसकी 91 के नियरेस्ट वैल्यू लेके जो अंदर हो या उसके आजू बाजू कोई भी कीमत हम ले सकते हैं। तो यहाँ 91.43 है, तो हम यहाँ पर a को 90 एज्यूम करते हैं। इट कैन बी सेड एज्यूम्ड मीन B, B मतलब डिफरेंस। अब ये क्यों लिया हमने B, B का दूसरा नाम होता है CX, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, CX। ये CX और CY जो हम पढ़ने वाले हैं ये फॉर्मूले में इसका यूज होगा। तो अभी ये B और CX हमने क्यों लिया, तो आप देखिए आपके ऑब्जेक्शन बड़े बड़े हैं, अगर हम डायरेक्टली 90 में से भी माइनस करते हैं तो डिफरेंस 30, 20, 40 इस तरह से डिफरेंस आएगा, तो उससे मच बेटर है हम क्या करेंगे उसको और स्मॉल कर दें। और वैसे भी सभी ऑपरेशन के पीछे लास्ट में जीरो है, इसलिए वो सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 60 में से माइनस करेंगे ए 90, तो 60 माइनस 90 माइनस 3, और आपका बी कितना है 10 है, तो 30 डिवाइड बाई 10 तो इट विल बी माइनस 3। 70 में से 90 माइनस करेंगे तो इट विल बी माइनस 20 डिवाइड बाई 10 तो माइनस 2। 80 माइनस 90 माइनस 10 अपॉन 10 इट विल बी माइनस 1। 90 माइनस 90 इट विल बी 0 डिवाइड बाय 10 करने तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि 0 हो जाएगा। सिमिलरली हम x की सारी वैल्यूज क्या करेंगे, माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव फॉर्म मतलब माइनस में आएगा। वैसे ही y में जाके देखें तो हमने y बार में जाएंगे, पहले y बार की वैल्यू कितनी आएगी, 87.86। अब आप उसके बदले में क्या एज्यूम मीन ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आप 85 लिया है, आप 90 ले सकते हो, 88 ले सकते हो, आप 70 ले सकते हो, आपकी इच्छा हो आप वो वैल्यू लेंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, आएगा ही। ये कोई फिक्स नहीं है कि मीन के ऊपर से ही लेंगे तो ही आंसर आएगा, आप इस एक्स की और वाई की कोई भी वैल्यू पकड़ लीजिए, एक्स की वाई की कोई भी वैल्यू एज्यूम मीन कर लीजिए, आपका आंसर सेम टू सेम आने वाला है। ठीक है, किसी को क्रॉस चेक करना हो तो आप घर पे जाके कोई भी इन x और y में से, मैंने यहाँ पे a is equal to 90 लिया है और यहाँ पर d is equal to 85 लिया है, आप इसके अलावा इनमें से कोई भी वैल्यू रख लीजिए, एस्टिमेटेड वैल्यू, योर आंसर विल बी सेम एज आई एम गोइंग टू गेट ओवर हियर, राइट। ओके,
सो इन दिस वे, और यहाँ पर सी सी के बदले में हम जो गैप है पांच पांच का देखो सब कट जाएंगे फाइव के टेबल में, सबके बीच लास्ट में क्या वैल्यू, उसमें जीरो जीरो था तो टेन के टेबल में काट दिया, टेन के टेबल में इसलिए काटा क्योंकि वो जो ऑब्जर्वेशन बड़े बड़े थे जो डिफरेंस बड़ा बड़ा आने वाला था हमने उसको स्मॉल कर दिया, तो इट इज लाइक नाउ 3-1 सीरीज छोटी हो गई। वैसे हम यहाँ करेंगे तो जो सी है उसको हम क्या नाम देंगे सी वाई, वो जो बी था उसको हम क्या नाम देंगे सी एक्स। इन दोनों का यूज जब भी हम डिवाइड में कुछ भी लेते हैं, मैं जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट चला रहा था तो मैंने आपको कहा था डिवाइड में हमेशा वन लेने का, सो दैट पीछे मल्टीप्लाई करने को लफड़ाई ना रहे। लेकिन हेयर इट इज कंपलसरी कि अगर हमने यहाँ पर लिया हुआ है तो डेफिनेटली आपका जो फॉर्मूला है आप देखिए फॉर्मूला बी बाई एक्स इज इक्वल टू, उसको बी बाई एक्स को दूसरा नाम क्या हो देंगे वी वी यू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइड बाई एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में नई वैल्यू आ गई सी वाई अपॉन सी एक्स। अब सी वाई कहाँ से आएगा कैसे आएगा, तो सी वाई का मतलब कहाँ से लाएंगे, ये जो हमारा हमने फाइंड किया वाई का जो डिफरेंस होगा जिसको हमने शॉर्ट करने के लिए जिसे सी का यूज किया हुआ है तो सी नहीं है वो सी वाई है, और एक्स को स्मॉल करने के लिए जो हमने बी लिया हुआ है वो बी नहीं है वो सी एक्स है, उसका यूज हम वहां पे कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके नाउ ये हमारा यू मिल गया बी मिल गया, अब यू बी मिल गया तो आपको अब एक्स और वाई का कोई काम आपके साथ रहेगा नहीं, अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए 300 2 टू जा प्लस 4 1 टू जा माइनस 2 06 और 0 4 4 जा 16 18 जा 8 एंड 16 3 जा 18। इस तरह से हम प्लस माइनस करेंगे, माइनस को अलग करेंगे प्लस को अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर डिफरेंस निकालेंगे, सो दैट यू विल गेट सिग्मा यू सिग्मा वी सिग्मा यू वी एंड लास्टली हम फाइंड करेंगे यू स्क्वायर। यू स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, तो यू का स्क्वायर कर दिए 3 का 9 2 का स्क्वायर किया 4 1 का स्क्वायर किया 1 0 का 0 4 का स्क्वायर करेंगे 16 1 का 1 3 का 9, इस तरह से यू विल गेट सिग्मा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है ओके, आफ्टर दैट ये कैलकुलेशन करने के बाद फ्रेंड्स आपने अभी तक जो कैलकुलेशन करी है वो वन मान की, ये पूरे टेबल का मार्किंग खाली एक नंबर गिना जाएगा, अगर आप इतना करके छोड़ देते हो ये आपका आगे का रॉन्ग होता है लेकिन पीछे का टेबल राइट है तो आपको वन मार्क्स मिल जाएगा इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपका फॉर्मूला भी सही है तो उसका भी वन मार्क क्या हो जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, दो मार्क्स का काम आपने कर लिया। नाउ इस फॉर्मूले के अंदर हमने ये जो कैलकुलेशंस करी हुई है इन सारी डिटेल रख देंगे प्लस माइनस कर देंगे, आप देखिए n कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, n इज देयर 7, सिग्मा u भी हमने फाइंड किया इट इज 8 माइनस सिग्मा u देखा हमने तो माइनस 6 आया था, सिग्मा v 4 आया था तो मल्टीप्लाई कर दिया, आप देखिए अंदर माइनस बाहर माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 8 जा 56 एंड 6 4 जा 24, नीचे 7 4 जा 20 एंड 6 का स्क्वायर करेंगे 36। लेकिन कोई यहाँ पर ये कलाकारी ना कर दे कि सर अंदर भी 6 माइनस है और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं यहाँ 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो माइनस 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली प्लस हो चुका होगा अंदर, अब बाहर खाली एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 36 इंटू एस सी वाई अपॉन सी एक्स करेंगे, सी वाई कौन सा वाला ये रहा सी वाई कितना हमारे पास 5 और सी एक्स कितना 10 रख दिया हमने, कैलकुलेशन करेंगे उन दोनों को पहले प्लस करते हैं 24 प्लस 56 ऐड किया 80 80 में प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर देगा तो 400, नीचे 280 में 36 माइनस किया कितना हुआ 244 और उसका 10 से मल्टीप्लाई तो 2440 डिवाइड कर देंगे तो यू आपको जो बी वाई एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी 0.610। नाउ इट्स रिग्रेशन टाइम, लीनियर रिग्रेशन ऑन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन मॉडल फाइंड करना है तो इक्वेशन है हमारे पास y cap is equal to a plus bx, a मतलब fixed expenses, a कैसे find करना है तो a का formula बाजू में है हमारे पास, a is equal to y bar minus bx bar, b का मतलब क्या होता है vyx, vy यहाँ u v है तो vu जो भी है ठीक है वो लगा देंगे कोई issue नहीं है, b बोलेंगे तो भी चल जाएगा, y bar की value हमारे पास already पड़ी हुई है कितनी 87.86 minus b कितना आया 0.16 plus 9 और x बार आपके पास पड़ा हुआ 91.43, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो सो दैट यू विल गेट 14.63। अब इधर 87.86 में से 14.63 माइनस करेंगे सो दैट यू विल गेट a इज इक्वल टू 73.2312, स्क्वायर रूट मतलब नहीं बनता तो आप 73.23 लिख सकते हैं, हियर इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन y कैप इज इक्वल टू
इन प्लेस ऑफ ए आप क्या यूज करोगे 73.23 प्लस बी की जगह 0.16 और एक्स कितना वो आपको दिया नहीं है तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। सपोज करो कि अभी किसी सम में आपको x की वैल्यू भी दे दी गई हो, x is equal to 15 हो या x is equal to 50 हो, then find the estimated value of y। तो आप क्या करोगे, तो in place of x आप उसकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस माइनस करके जो भी आएगा y की एस्टिमेटेड वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? दिस इज योर सेकेंड मैथड। दिस मैथड इज आस्क्ड सो मेनी टाइम इन द एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड्स, सो प्रिपेयर। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे फिर से आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है? आई होप आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा। कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे इससे इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे बेझिझक ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स? आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बाजू में जो बेल आइकॉन बटन है उसे दबाना मत भूलिए, सो दैट जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स? सो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए घर पे, ध्यान से, कोरोना चल रहा है, ठीक है? ओके, ध्यान से।